नमस्कार साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। साहित्य और समाज के शब्दों को लेकर अनेक अभिमत हैं। स्टॉप। कुछ लोग साहित्य को समाज का दर्पण मानते हैं, कौमा कुछ सहज सामान्य अभिव्यक्ति, तो कुछ लोग समाज की व्याख्या मानते हैं, तो कुछ लोग समाज की समालोचना। स्टॉप। ये सब विचार इस बात को लेकर भिन्नता रखते हैं कि समाज में साहित्य का उपयोग क्या है। स्टॉप। एक समाज अपने आप को अनेक रूपों में व्यक्त करता है। स्टॉप। वह अपना मनोरंजन भी करता है, कोमा जैसा जी रहा है वैसा ही उसे व्यक्त भी करता है, कोमा तथा जैसा जी रहा है उससे बेहतर जीने की आकांक्षा भी प्रकट करता है। स्टॉप। समाज के साहित्य को लेकर अलग अलग तरह के दृष्टिकोण चलते रहते हैं, कोमा बदलते रहते हैं। स्टॉप। यदि किसी युग के समाज में प्रगतिशील परिवर्तन हो रहे हैं तो उस समय का समाज यह अपेक्षा करता है कि साहित्य उन परिवर्तनों को ज्यों का त्यों भी व्यक्त कर दे, तो बहुत है। स्टॉप। इस तरह साहित्य से समाज का दर्पण होने की अपेक्षा की जाती है। स्टॉप। यदि समाज किसी समय विशेष में प्रगतिशील नहीं है, कोमा पुरातनपंथी है, या किसी अन्य समाज की अंधाधुंध नकल कर रहा है, तो समाज के जागरूक व्यक्ति साहित्य से यह अपेक्षा करते हैं कि साहित्य समाज को न केवल प्रतिबिंबित करे बल्कि उसके अच्छे बुरे सभी पक्षों की समालोचना भी करें। स्टॉप। एक मौज मस्ती में डूबा हुआ समाज साहित्य से सिर्फ यही उम्मीद करता है कि वह उस समाज में उठ रहे मनोभावों को केवल अभिव्यक्त कर दे। स्टॉप। पैरा। साहित्य यद्यपि एक समाज में रचा जाता है और समाज के लिए ही रचा जाता है, किंतु उसका रचनाकार संपूर्ण समाज न होकर एक व्यक्ति विशेष ही होता है। स्टॉप। इस प्रकार एक समाज अपने एक विशिष्ट सदस्य रचनाकार के द्वारा अभिव्यक्ति पाता है, अर्थात साहित्य रचना मूलतः व्यक्तिक है। स्टॉप। इसलिए एक व्यक्ति साहित्य के संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाता है, इसी से ही साहित्य और समाज का रिश्ता तय होता है। स्टॉप। यदि रचनाकार अपने युग के कार्यकलापों से संतुष्ट है तो वह उसी संतोष के साथ साहित्य रचता है और लगभग आनंद की अभिव्यक्तियां करता है। स्टॉप। हिंदी का रीतिकालीन साहित्य इसी तरह का साहित्य है। स्टॉप। रीतिकाल में साहित्यकार राजाओं के आश्रम में संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ था, कोमा उसने राज दरबार को ही अपना समाज समझ लिया था, कोमा इसलिए राज दरबारों में बजने वाली चैन की बंसी को ही उसने साहित्य में स्थान दिया। स्टॉप। इस प्रकार का साहित्य केवल मनोरंजनात्मक
है और वह समाज को कोई दिशा नहीं देता। स्टॉप। हाँ कोमा, ऐसे साहित्य से उस युग की स्थितियों का कोमा मनोवृत्तियों का पता अवश्य लगता है। स्टॉप। जहाँ साहित्यकार यथा स्थिति से संतुष्ट रहता है और अपनी कल्पना के सहारे कोमा नए सोच के सहारे समाज को बेहतर बनाने का कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करता, वहाँ साहित्य केवल दर्पण भर रह जाता है। स्टॉप। पैरा। जिस प्रकार के साहित्य और समाज के रिश्तों की चर्चा ऊपर की गई है कोमा, ऐसे साहित्य के दौर किसी समाज में बहुत कम आते हैं। स्टॉप। एक समाज में प्राय आम आदमी की कुछ न कुछ समस्याएं चलती ही रहती हैं। स्टॉप। मानव समाज अपनी वर्तमान स्थिति से प्राय संतुष्ट नहीं रहता और वह अधिक से अधिक विकास करने की कोमा बदलने की आकांक्षा रखता है। स्टॉप। पैरा। साहित्यकार इस परिवर्तन की प्रक्रिया में सबसे आगे चलता है। स्टॉप। वह यथास्थिति को बदलकर नए परिवर्तन का मसीहा बनता है। स्टॉप। वह सारे समाज के सपनों कोमा आकांक्षाओं को भाषा के द्वारा मूर्त रूप देता है। स्टॉप। वह समाज को बदलने के लिए उसे उत्तेजित करता है। स्टॉप। इस प्रकार का साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता बल्कि उसका विकल्प होता है। स्टॉप। वह अपने युग की भाषा में ऐसी नई रौनक लाता है कि समाज की भाषा बदलने लगती है। स्टॉप। ऐसे नए चरित्र लाता है कि लोगों के व्यवहार में ऐसे चरित्रों से प्रेरणा लेकर परिवर्तन होने लगता है। कोमा। ऐसी नई कथाएं लाता है या पुरानी चली आई कथाओं में ऐसा नया मोड़ देता है कि पूरा समाज अपने आप को नई कहानियों के सामने खड़ा पाता है। स्टॉप। इस प्रकार ऐसे साहित्य का कथानक कोमा चरित्र कोमा भाषा एवं उसमें चित्रित सारा परिवेश समाज को नया नया लगता है। कोमा। उसे रोमांचित करता है और बदलने के लिए प्रेरित करता है। स्टॉप।